शाहरुख खान खामोशी में है, एकदम खामोश। जहां पहले उनकी फिल्म्स को लेकर खूब चर्चा हुआ करती थी, वो सब कुछ एकदम से शांत पड़ गया है, और इसका कारण भी सब जानते हैं। आर्यन खान के केस के बाद से शाहरुख थोड़े रिजर्व रहने लगे हैं, और बेटे की घर वापसी के बाद भी शाहरुख सब काम छोड़कर बेटे आर्यन को वक्त दे रहे हैं, क्योंकि आर्यन को इस समय अपने पापा की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, वहीं उधर फैंस भी शाहरुख की वापसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी फिल्म पठान को और डिले भी हो चुका है, और फैंस इस बात को बखूबी समझ भी रहे हैं कि शाहरुख के लिए फैमिली अभी फिलहाल प्रायोरिटी पर है, इसलिए फैंस भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। लेकिन चर्चा यही थी कि शाहरुख दिसंबर से काम पर वापसी करेंगे। अब शाहरुख मिड दिसंबर में वापसी करेंगे, एंड दिसंबर में कमबैक करेंगे, इसे लेकर पक्के तौर पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। या फिर ये भी हो सकता है कि नई शुरुआत करने के लिए, नया कमबैक करने के लिए शाहरुख अब नए साल पर ही अपना दीदार फैंस को दिखाएं। नए साल पर शाहरुख पठान के टीजर से फैंस को न्यू ईयर का तोहफा दे दे। अगर ऐसा हो गया तो सोने पर सुहागा होगा। वैसे आपको बता दें कि काफी टाइम पहले खबरें आई थी कि दिसंबर में शाहरुख पठान की इंटरनेशनल स्केड्यूल के लिए निकलेंगे। सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड पठान के दो रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ एक्शन सीन्स विदेश में शूट किए जाने हैं। वहीं पठान के अलावा शाहरुख अटली की अगली फिल्म के लिए भी शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा शाहरुख के साथ लीड में है, और अटली की अगली फिल्म में शाहरुख डबल रोल में दिखेंगे और नयनतारा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। खैर, अब शाहरुख के धमाके की घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है, और शाहरुख की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस भी तैयार हो चुके हैं। मगर देखना यही है कि नए साल से पहले या नए साल पर शाहरुख पठान से अपने काम का श्री गणेश कब तक करते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।